दोस्तों बच्चे मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि न्यू सेटिंग में इंस्टाग्राम का पासवर्ड को आप कैसे चेंज कर सकते हो। अगर दोस्तों आप लोग को इंस्टाग्राम का पासवर्ड नहीं पता फिर भी आप चेंज कर सकते हो, अगर आप लोग को इंस्टाग्राम का पासवर्ड पता है फिर भी आप चेंज कर सकते हो। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों जब से इंस्टाग्राम के अंदर न्यू अपडेट आने के बाद जो सेटिंग है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका, पूरी तरह से बदल चुका। पहले क्या था ना, सिर्फ सेटिंग आपको दिखता था जैसे कि आप देख रहे हो, लेकिन अब अपडेट होने के बाद जो सेटिंग है चेंज होने के बाद सेटिंग एंड प्राइवेसी सेटिंग दिखने को मिल रहा है। तो ये जो न्यू सेटिंग के अंदर जो है ना, आप लोग पासवर्ड को कैसे चेंज कर सकते हो, आप लोग को पासवर्ड नहीं पता है तो फिर भी आप कैसे चेंज कर सकते हो, आप लोग को पासवर्ड पता है फिर भी आप कैसे चेंज कर सकते हो न्यू सेटिंग के अंदर, तो आज का जो वीडियो ना काफी कमाल का धमाकेदार वीडियो बनने वाला है। वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत कीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं कह लेता वीडियो स्टार्ट में नाम सितारे और आप देख रहे हो गाटो का YouTube चैनल। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे दो मोबाइल है और जैसे कि मैं Instagram को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, इस मोबाइल के अंदर भी Instagram को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे थ्री लाइन पे जाता हूँ और इस मोबाइल के अंदर भी थ्री लाइन पे जाता हूँ, ठीक है Instagram के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले जो आपको सेटिंग मिलता था ना, सिर्फ आपको सेटिंग मिलता था, लेकिन जब से ये न्यू सेटिंग है ना तो यहाँ पे Instagram के अंदर सेटिंग एंड प्राइवेसी सेटिंग मिलेगा। तो ये जो Instagram के अंदर सेटिंग एंड प्राइवेसी है, इसके अंदर आप किस तरीके से पासवर्ड को आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपका Instagram का पासवर्ड नहीं पता फिर भी आप चेंज कर सकते हैं, अगर आपको Instagram का पासवर्ड जो है ना पता है फिर भी आप चेंज कर सकते हो। तो कैसे चेंज कर सकते हो, अगर आप सबसे पहले जानना चाहते हो ना, एक छोटी सी काम करना होगा, इस वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कीजिएगा, फ्री होता है लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल पिकल कॉल पे सेट कर दीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, कॉमेंट के अंदर जो ना पासवर्ड चेंज और या नाइस वीडियो आप लिख सकते हो, ये वीडियो कहां से देख रहे हो आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। बस ये छोटी सी काम करने के बाद सबसे पहले क्या करना, Instagram को ओपन करोगे, यहाँ पे प्रोफाइल पे आपको क्लिक करोगे ना तो ये जो थ्री लाइन देख रहे ना इस पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे न्यू सेटिंग मिलेगा, सेटिंग एंड प्राइवेसी सेटिंग, इस पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे Instagram की जो सेटिंग है पूरी तरह से यहाँ पे चेंज हो चुका, ठीक है। तो आपको पासवर्ड किस तरह से चेंज कर सकते हो, तो यहाँ पे अकाउंट सेंटर जो देख रहे ना इस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे क्लिक करने के बाद दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को पूरा स्टेप बाय स्टेप देखना होगा, मैं आपको बताने वाला, ठीक है। तो जैसे मैं क्लिक कर देता हूं, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप नीचे जाओगे ना तो यहाँ पे पासवर्ड एंड सिक्योरिटी नाम करके आपको एक सेटिंग दिखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप ध्यान से यहाँ पे आप देख सकते हो। तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया, जैसे आप क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको देख सकते हो काफी सारा चीज आपको दिखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो चेंज पासवर्ड आपको दिखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज पासवर्ड पे आपको क्लिक कर देना होगा। तो जैसे चेंज पासवर्ड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिखने को मिलेगा, एक फेसबुक दिखने को मिल जाएगा और एक Instagram। तो मैं Instagram का पासवर्ड यहाँ पे चेंज करने वाला, क्योंकि आपने Instagram पे फेसबुक का कनेक्ट किया हुआ तो वो शो होगा, ठीक है, चाहे वो प्रोफाइल हो चाहे वो पेज हो, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, Instagram का पासवर्ड चेंज करने वाला, तो ये यूजर आईडी देखना इस पे नीचे वाला मैं क्लिक कर दूंगा। तो जैसे क्लिक करने के बाद दोस्तों बूम गाइस फाइनली यहां पे आ चुका, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे पहला ऑप्शन जो देखना करंट पासवर्ड यहाँ पे देखने को मिलेगा, उसका न्यू पासवर्ड और रिपीट पासवर्ड। करंट पासवर्ड का क्या मतलब, यानी कि दोस्तों आपको पासवर्ड पहले से पता है, यानी कि दोस्तों आपने जो पासवर्ड आपने डाला होगा वो पासवर्ड आपको पता है तो वो पासवर्ड यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, जैसे कि मैंने करंट पासवर्ड डाल दिया क्योंकि मुझे पासवर्ड पता है। तो वो डालने के बाद दोस्तों अगर आप ये न्यू पासवर्ड को आप चेंज करना चाहते हैं तो आप क्या करना, न्यू पासवर्ड यहाँ पे डालना पड़ेगा, जैसे पहला डाल देना होगा और दूसरा डाल देना होगा। तो चलिए यहां पे क्या कर लेता हूं, पासवर्ड न्यू पासवर्ड यहां पे मैं डाल देता हूं। तो दोस्तों देख सकते हो मैंने यहां पे न्यू पासवर्ड यहां पे डाल दिया, जो करंट पासवर्ड जो पहले से मेरे को याद था वो पहला वाला डाल दिया और उसके बाद न्यू पासवर्ड डाल दिया, उसके बाद फिर से रिपीट हुआ सेम टू सेम पासवर्ड यहां पे डाल दिया। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, अगर आपको पासवर्ड नहीं पता पहले से, करंट पासवर्ड नहीं पता तो कैसे चेंज कर सकते हो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहां पे चेंज पासवर्ड है ना, चेंज पासवर्ड पे आप क्लिक कर देना होगा। तो जैसे आप चेंज पासवर्ड पे क्लिक करोगे ना तो यहां पे सक्सेसफुल यहां पे चेंज पासवर्ड यहां पे हो चुका, यानी कि जो आपका पहले वाला पासवर्ड था आपने करंट पासवर्ड डाला था वो हट करके एक नया पासवर्ड यहां पे बन जाएगा, जैसे मैंने आपको बता दिया और ये पासवर्ड चेंज पूरी तरह से हो चुका, ठीक है। अब बात करते हैं, मान लो कि आपके पास करंट पासवर्ड नहीं पता, यानी कि पहले से आपको कोई भी पासवर्ड नहीं पता, तो आप कैसे आप चेंज कर सकते हो, कैसे आप जो ना फॉरगेट कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले दोस्तों वही प्रोसेस है, आपको चेंज पासवर्ड पे आपको जाना, मैं आपको फिर से दिखा देता हूं। जैसे कि दोस्तों यहां पे अकाउंट सेंटर के अंदर आपको जाना पड़ेगा, जाने के बाद दोस्तों यहां पे पासवर्ड एंड
एंड सिक्योरिटी सेटिंग के अंदर आपको जाना पड़ेगा। जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे चेंज पासवर्ड पे आपको क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम का जो यूजर आईडी उसको आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों नीचे देख रहे ना, यहाँ पे आपको फॉरगेट योर पासवर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको फॉरगेट करोगे ना, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको लूट यहाँ पे देख सकते हैं, ईमेल आईडी देखने को मिल जाएगा। यानी कि दोस्तों आपको जो ईमेल आईडी आपने इंस्टाग्राम पे डाला है उस ईमेल आईडी पे आपको देखने को मिल जाएगा। और आपको सबसे पहले फॉरगेट करने से पहले आप ये पता करना चाहते हैं कि आपके इंस्टाग्राम आईडी के अंदर कौन सा ईमेल आईडी डाला हुआ है, न्यू सेटिंग के अंदर कौन सा फोन नंबर डाला हुआ है, मोबाइल नंबर, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों ईमेल आईडी के लेके चलता हूं, ठीक है, क्योंकि जो लिंक मैंने फॉरगेट किया ना वो लिंक आपको ईमेल आईडी पे दिखने को मिल जाएगा। तो मैं जीमेल अकाउंट को ओपन कर लेता हूं और नीचे बैक कर देता हूं, यहां पे मैं रिफ्रेश करता हूं, ठीक है। और जैसे रिफ्रेश करने का जो पहला देख रहे हैं ना, ईमेल आईडी यहां पे आ चुका है, तो मैं क्या करूंगा, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पे देखें रीसेट यहां पे पासवर्ड देखने को मिल जाएगा। तो मैं रीसेट पासवर्ड पर यहां पे क्लिक करूंगा और जैसे रीसेट पासवर्ड पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पे दो तरीके से होता है, एक तो क्रोम ब्राउजर के अंदर भी ओपन हो जाएगा डायरेक्ट, या आपके इंस्टाग्राम के अंदर ऐप के अंदर भी हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। तो यहां पर न्यू पासवर्ड और यहां पे रिपीट पासवर्ड यहां पे देखने को मिल जाएगा। तो यहां पे आपको न्यू पासवर्ड यहां पे बना लेना होगा। तो चलिए यहां पे न्यू पासवर्ड यहां पे बना लेते फटाफट। दोस्तों देख सकते हैं मैंने यहां पे न्यू पासवर्ड यहां पे मैंने डाल दिया, एक ऊपर में आपको सेम डालना होगा, नीचे में भी आपको सेम डालना पड़ेगा। और जैसे सेम डालने के बाद दोस्तों यहां पे आप देख सकते हो यहां पे रीसेट पासवर्ड होगा, इस पे मैं क्लिक कर देता हूं। और जैसे रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका जो पासवर्ड है पूरी तरह से फॉरगेट यहां पे हो जाएगा, यानी कि चेंज हो जाएगा। तो इसके अंदर कुछ सेकंड लगेगा, तो यहां पे चेंज हो चुका और यहां पे आप पासवर्ड आप बार-बार भूल जाते, अगर आप चाहते सेव करना चाहते तो यहां पे आपको सेव का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यानी कि आपके ईमेल आईडी पे जो पासवर्ड आपने जो सेव किया है वो बिल्कुल तरीके से यहां पे सेव हो जाएगा। तो जैसे आप सेव कर लेते हो ना, तो आपका जो पासवर्ड है पूरी तरह से यहां पे रिकवर हो चुका। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, पूरी तरह से रिकवर हो चुका, आपका न्यू पासवर्ड जनरेट हो चुका और आपका न्यू पासवर्ड जो आपने डाला है उसको याद कर लेना, ठीक है। अब बात करते कि जो आपने पासवर्ड आपके पास नहीं है, मालूम है भूल चुके, तो आप फॉरगेट करना चाहते, तो आपके पास जो ना ईमेल आईडी होना चाहिए। तो आप कैसे पता लगाएंगे कि आपके जो इंस्टाग्राम पे है ईमेल आईडी कौन सा डाला हुआ, मोबाइल नंबर कौन सा डाला हुआ, आप वो चेक करना चाहते सबसे पहले फॉरगेट करने से पहले, तो आपको क्या करना है, यहां पे आपको जो ना यह थ्री लाइन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहां पे सेटिंग एंड प्राइवेसी के अंदर जाना पड़ेगा, यहां पे अकाउंट सेंटर के अंदर जाना पड़ेगा। जाने के बाद दोस्तों यहां पे आपको पर्सनल डिटेल्स होगा, पर्सनल डिटेल्स के अंदर जाओगे ना तो यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा कि आपका जो यहां पे देखने को मिल जाएगा कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, यानी कि आपका ईमेल कौन सा डाला हुआ है, आपका फोन नंबर कौन सा डाला हुआ है, यहां पे देखने को मिल जाएगा, डेट ऑफ बर्थ देखने को मिल जाएगा। यहां से आप सबसे पहले पता करके, आपको पासवर्ड नहीं पता तो यहां से आप फॉरगेट कर सकते हैं, सबसे पहले चेंज कर लेना होगा, ठीक है। अगर आपके पास ईमेल आईडी आप ही का है तो आप फॉरगेट बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल मैंने आपको बता दिया, पूरा प्रोसेस बता दिया कि न्यू सेटिंग के अंदर आप किस तरीके से आप पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं, किस तरीके से आप पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हैं। मैंने आपको इस वीडियो के अंदर पूरा आसान तरीका मैंने आपको बता दिया। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि और भी लोगों को जो ना इस वीडियो को देखने के बाद हेल्प मिल जाए। और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हो कॉमेंट करके जरूर बताना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, इस वीडियो को शेयर कीजिए, कॉमेंट करके बताना ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों फिर मिलेंगे दोस्तों में अपने ख्याल लेकर, टेक केयर एंड गुड बाय।